Good morning, everybody. I am Sunil Kadam, your sports teacher and a karate teacher. Karate में आज हम single punch, double punch and triple punch की revision करेंगे. Revision करने से पहले आपको करना है stretching exercise, फिर करनी है warm up exercise and then specific exercise. पिछले दोनों बार हमने स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज एंड वार्म अप एक्सरसाइज किए हैं, तो उसी को करके फिर आप स्पेसिफिक एक्सरसाइज की तरफ मुड़िए. स्पेसिफिक एक्सरसाइज में हम आज अलग टाइप के पुशअप्स देखेंगे, जिसे कहते हैं मूविंग पुशअप्स. आप पहले वज्रासन में बैठिए. बैलेंस करने के बाद आपको पहला पुशअप्स करना है, फिर ऊपर आने के बाद लेफ्ट साइड जाइए, वहाँ एक पुशअप्स कीजिए, फिर बीच में आइएगा, वहाँ एक पुशअप्स करिएगा, फिर राइट साइड जाइए, वहाँ एक पुशअप्स करिए, फिर बीच में आना है और फिर एक पुशअप्स करना है. तो पहला बीच में, फिर लेफ्ट साइड, फिर बीच में, फिर राइट साइड, फिर आपको बीच में आके रुकना है. तो ऐसे आपके चार पुशअप्स हो जाएंगे एक सेट में. हम करेंगे, देखेंगे. ये बैलेंस किया, पहला पुशअप्स किया, आप लेफ्ट साइड शिफ्ट हो गए, दूसरा पुशअप्स किया, फिर राइट साइड शिफ्ट हो गए, तीसरा पुशअप्स किया, फिर राइट साइड शिफ्ट हुए, चौथा पुशअप्स किया एंड आप बीच में आ गए. ये हो गया आपका एक सेट. तो वैसे आपको मिनिमम दो सेट, मैक्सिमम पांच सेट करने हैं. हम फिर एक बार देखेंगे कैसे सेट करना है. एक बैलेंस किया पहला, हाँ. फिर ऊपर आना है, फिर आपको लेफ्ट साइड शिफ्ट होना है, एक पुशअप्स करना है, फिर बीच में आना है, एक पुशअप्स करना है, फिर राइट साइड शिफ्ट होना है एंड फोर पुशअप्स करके आपको मेन पोजीशन में आना है. ये हो गया स्पेसिफिक एक्सरसाइज में मूविंग पुशअप्स. अभी हम करेंगे सिंगल पंच की रिवीजन. जैसे मैंने बोला था आपको हाउस क्लास में ही करना है. इसका दोहरा फायदा होता है, आप हैंड सेक्शन पूरा करते हो और स्टांस में इसी तरह रुकने से ज़्यादा देर आप रुकोगे तो हाउस क्लास में आपके पैर स्ट्रांग हो जाएंगे, इसीलिए हाउस क्लास में ही करना है. तो अब हम देखेंगे सिंगल पंच. टारगेट सेट करना है आपके चेस्ट लेवल, दूसरा हाथ होगा कमर पे. यहाँ देखना है आपको एक हाथ पुल करके दूसरा पंच टारगेट पे शूट करना है. आपका टारगेट जो है आपके चेस्ट लेवल सामने रहेगा, एक ही जगह पे करना है, ये ऐसे पुल करके पंच. तो सिंगल पंच हम देखेंगे इस तरह से पंच करना है. सिंगल पंच, एक पंच के बाद आपको पॉज लेना है तो ये दूसरा करना है. तो अभी हम करेंगे 10 सिंगल पंचेस. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. हर ये है सिंगल पंच. हम फिर से एक बार देखेंगे सिंगल पंच. अभी राइट हैंड आगे लेके करेंगे सिंगल पंच. 10 काउंट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. हर ये हो गए सिंगल पंच की रिवीजन. अब हम करेंगे डबल पंच की रिवीजन. मेरा राइट हैंड आगे है, दो पंच करने के बाद आपको पॉज लेना है. एक काउंट में दो पंच, लाइक दिस. इस तरह से हम करेंगे 10 काउंट, 1, 2, पॉज लेना है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
ये हो गया राइट हैंड आगे लेके डबल पंच, अभी हम करेंगे लेफ्ट हैंड आगे लेके डबल पंच। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, हाय ये हो गए सिंगल पंच एंड डबल पंच। अभी ट्रिपल पंच को आपको क्या करना है, तीन अलग अलग टारगेट पे पंच करना है। तीन पंच तीन अलग लेवल पे रहेंगे लेकिन वो एक ही लाइन में रहेंगे। तो आइए देखते हैं ट्रिपल पंच, फिर से हमें हॉर्स ट्रांस में रुकना है। पहला पंच होगा फेस लेवल, इस टाइम दूसरा हाथ आपका कमर में, दूसरा पंच जो करोगे तो दूसरे हाथ से स्टमक लेवल, फिर तीसरा पंच होगा सेंटर लेवल। इस तरह से तीन पंच करने हैं। फिर से हम देखेंगे फर्स्ट पंच फेस लेवल, सेकेंड स्टमक लेवल एंड थर्ड सेंटर लेवल। ये एक काउंट में तीन पंच करने हैं इस तरह से। फिर आपका पहला पंच जो है फेस लेवल रहेगा इस तरह से। ट्रिपल पंच तीन अलग लेवल पे करने हैं। अभी हम एक काउंट में तीन लेकिन पूरे दस काउंट रिपीट करेंगे। वन इस तरह से, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, ये हो गए ट्रिपल पंच अप टू डाउन इस सीक्वेंस में। अभी हम ट्रिपल पंच करेंगे डाउन टू अप इस सीक्वेंस में। तो पहला पंच जो हमने फेस लेवल किया था वो करेंगे सेंटर लेवल, फिर दूसरा स्टमक लेवल एंड तीसरा होगा फेस लेवल। तो हम करेंगे ट्रिपल पंच सेंटर लेवल स्टमक लेवल एंड फेस लेवल। इस तरह से एक ही लाइन में हम करेंगे टेन काउंट। ओके, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, हाय। तो ये हो गए ट्रिपल पंच। हमने आज सिर्फ रिवीजन किया है सिंगल पंच डबल पंच एंड ट्रिपल पंच। तो आगे हम सीखेंगे शॉर्ट पंचेस, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।